इस समय भारत में कुल 30 मुख्यमंत्री हैं, उसमें से 15 बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और 15 गैर बीजेपी के। मोदी जी केवल दो कानून बना देना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे भारत में बीजेपी की सरकार होगी, पूरे भारत में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। एक कानून बना दे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का, और दूसरा कानून बना दे जस्टिस विद इन ईयर, एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला करने का। केवल इतना काम कर दे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मुकदमों का फैसला एक साल में होगा, हाई कोर्ट में भी मुकदमों का फैसला एक साल में होगा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का एक फैसला होगा। इतना करते ही मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में सफेदपोश पाखंडी देश छोड़ के भाग जाएंगे, या तो वो तिहाड़ में होंगे नहीं तो विदेश में होंगे, वो बाहर नहीं होंगे। जैसे ही प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे ना, वैसे ही नेताओं का जो अरबों रुपए का बेनामी प्रॉपर्टी है वो सब पकड़ में आ जाएगी। आज की रेट में जो नेता होते हैं ना, वो जो मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं या सांसद विधायक बनते हैं, वो जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, बड़े बड़े बंगलों बनाते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अलग अलग शहरों में जमीन खरीदते हैं, अलग अलग शहरों में मकान खरीदते हैं, वो साले के नाम खरीदते हैं, साली के नाम खरीदते हैं, भाई के नाम खरीदते हैं, चाचा के नाम खरीदते हैं, चाची के नाम खरीदते हैं, मौसा के नाम खरीदते हैं, मौसी के नाम पे खरीदते हैं, अपने ड्राइवर के नाम पे खरीदते हैं, अपने कुक के नाम पे खरीदते हैं, अपने नाम पे नहीं खरीदते, अलग अलग नाम पे खरीदते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी वैसे ही सरकार को पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है, और बेनामी प्रॉपर्टी 100% जब्त करने, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी देने और भ्रष्टाचारियों को नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए तो क्या होगा, ये जितने लोग बेनामी संपत्ति इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, कालाधन इकट्ठा करके बैठे हुए, ये सारे के सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में रहेंगे तो आजीवन कारावास फांसी होगा, नागरिकता खत्म हो जाएगी, तिहाड़ में सड़ना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, कुछ कनाडा भाग जाएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, कुछ लंदन भाग जाएंगे, विदेशों में इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बना रखी है। अब इस कानून से बीजेपी का राज कैसे आएगा, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जिस दिन महबूबा मुफ्ती कश्मीर छोड़ के भाग जाएंगी उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, अब्दुल्ला परिवार जिस दिन ये कानून बना भारत छोड़ के भाग जाएगा उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, और जब महबूबा की पार्टी खत्म हुई, अब्दुल्ला की पार्टी खत्म हुई, तो कश्मीर में किसकी किसका शासन आएगा, बीजेपी का शासन आएगा। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है, जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनेगा, इनकी नागरिकता खत्म होने का कानून बनेगा, वैसे ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, ये सारे ऑस्ट्रेलिया कनाडा या लंदन भाग जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही जगनमोहन रेड्डी गए उनकी पार्टी खत्म। जैसे ही ये कानून बनेगा पूरा का पूरा करुणानिधि का परिवार बाहर भाग जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत प्रॉपर्टी बना रखी है, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हुई नहीं, सब एक्सपोज हो जाएंगे। और जब डीएमके का आलाकमान बाहर गया तो पार्टी खत्म, पार्टी खत्म तो डीएमके वहां तमिलनाडु किसकी सरकार आएगी, स्वाभाविक सी बात है बीजेपी की सरकार आएगी। केरल में वामपंथियों की सरकार चल रही है, जस्टिस विद इन ईयर लागू हुआ, प्रॉपर्टी 100% जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना, जो वहां बैठे हैं ना पीएफआई के सहयोग से, एसडीपीआई के सहयोग से और बाकी वहां सहयोग से सरकारें चल रही हैं, गायब। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये राहुल गांधी जो जाति के जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, कभी ये कराऊंगा, कभी वो कराऊंगा, वो बाहर घूम क्यों रहे हैं? कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, नहीं तो नेशनल हेराल्ड के केस में जेल में होते। और इतने सारे केस चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति वाला केस चल रहा है, बेनामी संपत्ति वाला केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, पासपोर्ट वाला केस चल रहा है, इसके बावजूद वो बाहर घूम रहे, जाति का जहर घोल रहे, सनातन संस्कृति को बांट रहे, सनातन धर्म को अलग अलग क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर, दलित बनाम सवर्ण के आधार पर बांट रहे। जस्टिस विद इन ईयर लागू करते ही पूरा गांधी परिवार बाहर जाएगा, और गांधी परिवार के जाते ही कांग्रेस खत्म, फिर बचेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो पीडीए बना के अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दलित बनाम सवर्ण कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस दिन प्रॉपर्टी आधार से लिंक हुई, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास देने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना, यूपी में जो घूम रहे ना सफेद पोस्ट, ये सारे सारे विदेश भाग जाएंगे। ये सब इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट महाघटिया है,
आज तक किसी भ्रष्टाचारी को ना आजीवन कारावास हुआ, ना फांसी हुई, ना नागरिकता खत्म हुई, क्योंकि ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है महाघटिया है। आज तक बेनामी लेन देन करने वाले को, बेनामी प्रॉपर्टी रखने वाले को ना किसी को आजीवन कारावास हुआ, ना उन्हें फांसी हुई, ना नागरिकता खत्म हुई। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये मनी लॉन्ड्रिंग कानून महाघटिया है, क्योंकि आज तक हवाला कारोबारी को ना सजा हुई, ना फांसी हुई। केजरीवाल का मुकदमा भले चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना हवाला कारोबार से, हवाला से जिसने फंडिंग किया उसको आजीवन कारावास फांसी होगा, न केजरीवाल को आजीवन कारावास फांसी होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, इसमें ऐसी कोई सजा ही नहीं है। ये कालाधन वाला कानून है, कितने लोगों का कालाधन पकड़ा गया, कितने लोग, किसी का 400 करोड़ पकड़ा गया, किसी का 500 करोड़ पकड़ा गया, रांची में पकड़ा गया, तमिलनाडु में पकड़ा गया, बिहार में पकड़ा गया, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ गया नहीं है। तो कानून का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए सफेदपोश भारत में घूम रहे बाहर। जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं लालू का परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। लालू का परिवार बिहार में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो, उनको आजीवन कारावास फांसी का कोई खौफ नहीं है, उनको पता है उनका मुकदमा सालों साल चलता रहेगा। और कानून कितना घटिया है कि लालू बाहर आके बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, जस्टिस विद इन ईयर होता, 1000 करोड़ के चारा घोटाले में आजीवन कारावास फांसी होता, दुनिया के कई देशों में, चीन में तो फांसी हो जाती है, सिंगापुर में फांसी होती है, जापान में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हमारे देश में जापानियों यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को जमानत मिल जाती है और बाहर आके चुनाव प्रचार करते हैं। कोई पार्टी अध्यक्ष बना हुआ है, कोई पार्टी महासचिव बना हुआ है, कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई चुनाव लड़ा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कानूनों को बदलना जरूरी है। अगर कानून बदल दिया जाए तो बंगाल में बीजेपी का राज होगा, कानून बदल दिया जाए तेलंगाना में बीजेपी का राज होगा, कानून बदल दिया जाए तमिलनाडु में बीजेपी का राज होगा, सिक्किम में भी बीजेपी का राज होगा, पंजाब में भगवंत मान जहां आम आदमी पार्टी की सरकार चले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, पंजाब में भी बीजेपी का राज होगा, नागालैंड में भी बीजेपी का राज होगा, मेघालय मिजोरम में भी बीजेपी का राज होगा, केरल में भी बीजेपी का राज होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कर्नाटक जो सिद्धारमैया डी के शिवकुमार चला रहे ना, कर्नाटक में भी बीजेपी का राज होगा, झारखंड में एक सोरेन तो गए लेकिन दूसरे सोरेन आ गए, झारखंड में बीजेपी का राज होगा, हिमाचल में जो सुक्खू इस समय बने हुए हैं हिमाचल में बीजेपी का राज होगा, दिल्ली में भी केजरीवाल गायब हो जाएंगे और दिल्ली में भी बीजेपी का राज होगा, आंध्र प्रदेश में भी होगा, तेलंगाना में भी होगा। तो चुनाव लड़ने तो ठीक है, चुनाव लड़ जितना ही है, लेकिन धर्म युद्ध में यह नहीं देखना चाहिए कि केवल विपक्ष के मारे जाएंगे, हमारे भी मारे जाएंगे। भगवान राम ने अगर सोचा होता कि नहीं हमारे सैनिक भी मारे जाते तो रावण से कभी युद्ध ही नहीं करते। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण के सैनिक भी मारे गए, राम के सैनिक भी मारे गए। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, कौरवों के सैनिक मारे गए, पांडवों के भी सैनिक मारे गए। धर्म युद्ध में कभी ये नहीं देखते कुछ हमारे मारे जाएंगे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनेगा, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, तो बीजेपी में भी कुछ लोग जाएंगे, बीजेपी के कुछ लोगों को भी तिहाड़ जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, अपने चंद चोरों को बचाने के लिए सामने लुटेरों को अगर छोड़ दिया जाए, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। अगर अपने दो चार मुर्गे जाएंगे तो जाएं, लेकिन सामने के बाज तो खत्म हो जाएंगे। ये धर्म युद्ध है, इसलिए मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, आप वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करिए, ये पूरे देश की पुलिस एक जैसे तरीके से व्यवहार करे, एक तरीके से बुलडोजर चलाए, एक तरीके से जांच करे, एक तरीके से चार्जशीट फाइल करे, हर जगह एक घंटे में FIR हो। इसलिए आप एक पुलिस चार्टर लागू करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाइए, आप जुडिशियल चार्टर लागू करिए कि पूरे देश के जज, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों, हर हालत में एक एक हफ्ते पे तारीख दें और मुकदमे का फैसला साल भर के करें। ये तीन तीन महीने पे लंबी लंबी तारीख क्यों देते हैं, चार चार महीने की लंबी लंबी तारीख क्यों? अरे हर हफ्ते में तारीख दें और 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख या 15 तारीख में मुकदमे का फैसला करें, साल भर के अंदर मुकदमा करें। और कानून, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप केवल इतना कर दीजिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, कालाधन बेनामी संपत्ति आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने, और भ्रष्टाचारियों को चीन की तरीके फांसी देने का कानून बनाइए, सिंगापुर में जैसे फांसी होती है वैसे कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत में राम राज्य आएगा, और जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर जो पार्टियां बनी हुई हैं, जो जहर घोल रही हैं, ये सारे के सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे और पूरे देश में बीजेपी का शासन होगा, हर राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। स्वाभाविक सी बात है,
चुनाव लड़के हम यही करना चाहते हैं, अल्टीमेटली पूरे देश में हम शासन कायम करना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कानूनों को बदला जाए जिससे अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में बीजेपी के शासन हो।